भारत में हुए आतंकी हमले और जैश के आतंकी ठिकानों पर भारतीय वायुसेना के एयर स्ट्राइक के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनातनी जारी है। पिछले कई आतंकी हमलों की तरह पुलवामा आतंकी हमले में भी पाकिस्तान में स्थित जैश का हाथ होने के बाद ये साफ हो गया कि पाकिस्तान आतंकवाद को पना देता है। इसे लेकर नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा ने भी पाकिस्तान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि भारत एक देश द्वारा प्रायोजित आतंकवाद का बेहद गंभीर रूप झेल रहा है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि उन्हें सूचना मिली है कि आतंकवादी अब समुद्र के रास्ते हमला करने की साजिश बना रहे हैं और इसे लेकर ट्रेनिंग भी दी जा रही है। नौसेना प्रमुख ने कहा है कि हम सभी ने 3 हफ्ते पहले जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी हमले का भयावह रूप देखा है और इस आतंकवाद को अब देश का समर्थन हासिल है जो भारत को अस्थिर करना चाहता है। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा ने कहा कि भारत प्रशांत क्षेत्र में भी आतंकी सक्रिय है। इस क्षेत्र में पिछले कुछ सालों से आतंकी अपनी हरकतें बढ़ा रहे हैं। उनका कहना है कि विश्व में कुछ ही देश हैं जो आतंकवाद से अछूते हैं। आतंकवाद वैश्विक रूप ले चुका है, इसका खतरा अब लगातार बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसी भी रिपोर्ट है कि आतंकवादियों को अलग अलग तरीके से हमले करने की ट्रेनिंग दी जा रही है जिसमें समुद्र के रास्ते हमला करना भी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।